मैं हूं नफीसा खान और आप सुन रहे हैं फिल्मी बीट। अमेरिका के चर्चित मुक्केबाज माइक टाइसन ने एक मुक्केबाज कोच की कहानी कहने वाली फिल्म साला खड़ूस देखने की ख्वाहिश जताई है। कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में काम कर चुके टाइसन ने अपने फेसबुक पेज पर फिल्म साला खड़ूस की समीक्षा को पोस्ट करते हुए लिखा, मैं मुक्केबाजी पर बेस्ड ये फिल्म देखने के लिए बेताब हूँ। आपको बता दें कि टाइसन ने महज 20 साल की उम्र में WBC, WBA और IBF हैवीवेट खिताब हासिल किए थे, जो एक रिकॉर्ड है। साला खड़ूस को तमिल में इरुड़ी सूत्रों के नाम से बनाया गया है। ये एक आक्रामक बॉक्सिंग कोच की कहानी है जो एक मछुआरन को सफल मुक्केबाज बनाता है। असल जिंदगी में बॉक्सिंग में सक्रिय रितिका सिंह ने इस फिल्म के जरिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है। राजकुमार हिरानी के प्रोडक्शन तले बनी इस फिल्म का डायरेक्शन सुधा कोंगरा प्रसाद ने किया है। वैसे आपको बता दें कि माइक टाइसन के इस फिल्म को देखने के इजहार के बाद आर माधवन ने अपनी खुशी का इजहार सोशल मीडिया साइट्स पर किया है। भाई खुशी की बात तो है ही। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।